हेलो गाइस, दिस इज विक्रम। और आज आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे कुछ आपको तैयारी नहीं दिख रही है, लेकिन एक्चुअली तैयारी नहीं है, ये हो रही है। किस चीज की आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको चार बेस चार टॉप का एक सेटअप दिखाने वाला हूँ मैं, जो कि हम लोग अभी गाड़ी पे फिट कर रहे हैं, जो कि ये है। देखिए ये आप लोग बेस देखिए किस टाइप के हैं। ये एक्चुअली 3.5 फीट के बेस है। ये जो साइज है ना, यहाँ से यहाँ तक 3.5 फीट होता है और 2 फीट की इसकी हाइट है। तो ये एक छोटी गाड़ी पे बंधा हुआ है। इसके ऊपर अभी हम लोग चार टॉप भी फिट कर रहे हैं। तो ये चार बेस चार टॉप वाला सेटअप ये कैसा दिखने वाला है आपको मैं आगे बता रहा हूँ। ये जो है सिंगल 18 स्पीकर है। ये पुराना मेरा जो सेटअप था 1,52,000 वाला, जिसमें 2 डुअल बेस और 2 टॉप थे, उससे इंस्पायर होके क्लाइंट ने हमारे दूसरा सेटअप बनाने के लिए बोला है, जिसमें 4 सिंगल बेस है और 4 टॉप होने वाले हैं। अब वो सेटअप कैसा दिखेगा मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ वीडियो में। आइए, ये 4 बेस वाला हुआ, अभी 4 टॉप फिट करते हैं। और एक बार बेस का साइज देख लीजिए और साइड से देखिए कैसा दिखता है। ये बेस अभी आपको फिलहाल उसी फॉर्मेट में दिखा रहा है जिस फॉर्मेट में हम लोग इसको टेस्टिंग लेके जा रहे हैं। इस पे अभी टच अप और क्लीन बाकी है। ग्रिल्स का पैटर्न कुछ इस टाइप का है और इसका डीप भी अच्छा खासा दिया गया है। 2 फीट से ऊपर का इसका डीप है और 3.5 फीट इसका लंबाई है। तो जो सेटअप मैंने आपको अधूरा दिखाया था, वो अब पूरा होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, जहां पे हम लोग 4 टॉप देख सकते हैं ऊपर और 4 बेस देख सकते हैं। ये सारा सेटअप कंप्लीट होता है और इसका एक प्राइसिंग भी हमने रखा हुआ है, हालांकि ये कस्टमर से डिस्कस करके ये बनाया गया है। तो है तो ये बेसिकली कम बजट वाला। अब मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब बजट रिवील ही कर देता हूँ मैं। ये सेटअप पूरा इंक्लूडिंग एम्पलीफायर मिक्सर, आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पलीफायर देखिए एक बार, ये 2 एम्पलीफायर भी रखे हुए हैं हमने। इसमें मिक्सर भी है, क्रॉसओवर भी है और वायरिंग रखी हुई है, सभी कुछ किया हुआ है इसका कनेक्शंस के साथ। और इसमें इंक्लूडिंग डीजे बेल्ट है, एक डीजे बेल्ट भी आएगा आपको, हालांकि हमने इसमें अपना लगाया लेकिन आपको नया आएगा। और XLR मेल फीमेल केबल्स, जैक टू XLR केबल्स, सारे केबल्स इंक्लूडिंग करके। तो एक काम करते हैं, आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे इसका कैटलॉग रेडी करके रख देते हैं हम लोग। एड्रेस अगर आपको चाहिए शॉप का तो व्हाट्सएप पे हाय भेजिए, आपको एड्रेस आ जाएगा, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस दिया हुआ है। सारा डिटेल जनरली इसका हम लोग साथ में देते हैं और ये पहली बारिश का आगाज़ है। पहली बारिश में पहली टेस्टिंग का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आज हम लोग बारिश में टेस्ट करने वाले हैं, इसीलिए ये सब ताम झाम ढक के लाया था हमने। खैर, तो चलिए अब वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। इस सेटअप का प्राइसिंग तो मैं आपको बताना ही भूल गया। इस सेटअप का प्राइस है 1,85,000। ये कुछ टाइम के लिए ऑफर है, इस ऑफर को रिवाइज किया गया है, पहले और कुछ था अभी और कुछ आया, लेकिन जो भी है इस बार का प्राइसिंग अभी फिलहाल के लिए 1,85,000 कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। पहले मैं आपको 15 इंच का कैबिनेट दिखा देता हूँ हमारा, जो 3 फिट में हमने रेडी किया था सिंगल स्पीकर वाला। ये देखिए, ये कैबिनेट जो है 3 फिट में हमने बनवाया है। इसमें मेटल हैंडल दिया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सॉकेट्स दिए हैं और इसे स्क्वायर बनवाया है ताकि ये इजीली डीजे बेल्ट के थ्रू बांधा जा सके और उन बेस के ऊपर रख के अच्छा भी दिखे। अब भला इस ब्रांड को कौन नहीं जानता है। हमने यही वाला स्पीकर बेस में यूज किया है, जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है। ये 600 वॉट है 18 इंच में। ये मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी कई बार दिखाया है, लेकिन ये स्पीकर सेल ही ऐसा है कि मुझे बार बार दिखाना पड़ता है। अच्छा बिकता है ये और इजी गोइंग है, आप लाइव और डीजे में यूज करते हैं और अच्छी क्वालिटी होती है। मतलब जिस प्राइस रेंज में ये आता है और जैसे ये बजता है, ये एक मीडियम रेंज में बहुत अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है। वैसे हमने ये 18 इंच सिंगल के जो बेस तैयार किए हैं उसके लिए है। तो बेस में क्या दिया हुआ है मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं, क्योंकि हम लोग इसका ग्रिल खोल रहे हैं और ग्रिल खोलने के बाद इसके अंदर आपको स्पीकर भी दिखा देते हैं। हालांकि आधे से ज़्यादा लोग जानते ही हैं कि इसमें JBL का 18 इंच 600 वॉट का स्पीकर है, क्योंकि 1,52,000 रुपये वाले सेटअप से इंस्पायर्ड वाला बनाया गया है इसलिए। तो आप लोग देखिए इसे खोलते हैं एक बार, और ये कैबिनेट अंदर से कैसा है वो एक देखने लायक चीज़ है।
क्योंकि कैबिनेट में जो हमारा ये मॉडल है, ये देखिए, इसको मैं साइड रख देता हूँ, ये यहाँ पे एलंकी से फिटेड है और कैबिनेट देखिए आप, एकदम ज़बरदस्त दिख रहा है। इसे स्कूप कैबिनेट बोलते हैं। इसका एक पैटर्न हमने सजाया हुआ है, यानी कि ये देखिए यहाँ स्पीकर लगा है, थोड़ा टिल्ट है, सीधा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है, और यहाँ से एयर वेंटिलेशन आएगा। तो दोनों बेस का एयर वेंटिलेशन सामने रखा हुआ है, इसका भी वही हाल है, जिससे कि आपको ये जो थ्रो है ना, ऐसा क्रॉस मिलता है, तो क्रॉस इधर की साइड से और उधर की साइड से जाएगा, तो आपको बीच में जो पावर मिलेगा, इम्पैक्ट मिलेगा, वो सबसे ज़्यादा होगा, और वही हमने चार बेस के थ्रू किया हुआ है। और चार जो टॉप है, इसके अंदर हमने ना HF को नेटवर्क डेन अकुस्टिक का दिया, जिसके कारण आपको क्लैरिटी एकदम नेक्स्ट लेवल की मिलती है। और ये सारा सेटअप हम लोग टेस्ट करने वाले, आप हेडफोन लगाइए, और क्योंकि पहली बारिश है तो गाना भी वैसे ही बजाएंगे, चलिए टेस्ट करते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हवा आ रही है बहुत ज़्यादा, हमने इसे पूरा तिरपाल को ढक दिया है तिरपाल से, और एम्पलीफायर्स को भी पन्नी लगा रहे हैं। ये हवा के ये हाल है कि आज हमें टेस्टिंग का मौका ही नहीं दे रही है, तभी ये फ़ोन से शूट कर रहा हूँ क्योंकि कैमरा बाहर ले नहीं सकता हूँ मैं। ये हाल है हमारे, देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है, सभी चीज़ें उड़ रही है यहाँ पे, और इसी वजह से हमने टेस्टिंग कुछ टाइम के लिए रोक दिया है, लेकिन टेस्टिंग करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये हवा ज़्यादा देर रहने वाली है, ये अभी पहली बरसात में ये सब होता ही है, और शायद इसी वजह से टेस्टिंग कई बार डिले हो जाता है हमारा। आप देख रहे हैं कितनी तेज़ हवा है। वैसे ये एरिया है हमारा, जो कि आज मैं आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ कि ये कैसा दिखता है एरिया। We'll be right back.
तो जैसे कि आप लोगों ने सेटअप का टेस्टिंग सुना, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो बेस के वोल्टेज है, हालांकि ये कई जगहों पे चलते हैं, लेकिन कई जगह इससे ज्यादा हैवी बेस की डिमांड आने लग गई है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सेटअप तो कंटिन्यू चलने देंगे, लेकिन इसमें और हैवी किया जाए तो कैसा रहेगा? वैसे इस सेटअप का टेस्टिंग आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या है बहुत सारे सेटअप बना रखे हैं। ये उनमें से एक था, लेकिन ये काफ़ी लोअर प्राइस और लोअर पावर वाला था। जनरली हम लोग सजेस्ट यही करते हैं कि आप हायर पावर में जाएंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का एक सेटअप बन के मिल जाता है। इसी में अगर मैं 2000 वॉट की बेस अगर रेडी कर देता तो क्या ये सेटअप नेक्स्ट लेवल का नहीं बनता? देखिए, एक तो प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कस्टमर कई बार हमसे आके मांगते हैं उनके बजट में, तो हमें उस टाइप के सेटअप डिज़ाइन करने पड़ते हैं। ये सेटअप पे मेरे दोनों माइंड्स चल रहे थे, यानी दोनों माइंड्स मतलब हाँ भी और ना भी, कि इस सेटअप की वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। लेकिन क्या था, एक यूनिकनेस था इसके प्राइस का और इसमें स्पीकर्स का, इसीलिए मुझे इसका वीडियो बनाना पड़ा। वरना तो मैं करता हूँ ज़्यादा वोल्टेज में ज़्यादा बिलीव। तो इन ज़्यादा वोल्टेज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक छोटी सी न्यूज़ साथ में देना चाहूँगा। मेरे ख्याल से कुछ 4 एम्पलीफायर आए हैं हमारे पास टेस्टिंग के लिए, जिनमें से 2 पास हो चुके हैं हैवी वोल्टेज के लिए। शायद आप में से कई लोग गैसिंग लगाना चालू हो गए हैं, लेकिन ये वो नहीं है। इनका जिक्र मैंने आज तक कभी नहीं किया था, ये जिक्र मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। आप लोग शायद मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, वहाँ कीजिए, वहाँ उनका अपडेट सबसे पहले मिलेगा। उसके बाद में जब मेरा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा तब इसको यूट्यूब पे मैं डालूंगा। तब तक के लिए आप अपडेटेड रहने के लिए वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। वैसे ये सेटअप लेने का तरीका तो आप जानते हैं, ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट करके इसका कैटलॉग डाउनलोड करके वहाँ से ऑर्डर आप कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होता है और ट्रांसपोर्ट से जाता है। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। आज के सेटअप के बारे में शायद एक पॉइंट रह गया था। टॉप के जो स्पीकर्स हैं उनमें वॉइस कोयल 3 इंच का है जो कि 400 वॉट का है, और जो बेस के स्पीकर हैं वो 600 वॉट के हैं जिनमें 4 इंच का वॉइस कोयल है। चलिए, अब आज इतना काफ़ी है, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस।